Hello students, welcome once again in Sakshi Gopala chemistry classes. In this video is about MCQ related to chapter structure of atom. Part 3 तक हमने कर लिया है and this is a part 4th video. और यहाँ से हम शुरू करते हैं with our first question. देखिए first question क्या है? The number of radial nodes and angular nodes for d orbital. ठीक है, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स को आपको कैलकुलेट करना है फॉर द डी ऑर्बिटल. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट इज अबाउट द एंगुलर नोड्स. ठीक है, नाउ द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू एल. द वैल्यू ऑफ एल इज द वैल्यू ऑफ और द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स. एल की जितनी वैल्यू होगी उतने ही एंगुलर नोड्स होते हैं. सो फॉर द डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के लिए एल इक्वल्स टू टू. सो डी एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? टू. ठीक है, सो देखिए ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा. देखिए गलत हो जाएगा, एंगुलर नोड्स टू दिए हुए. दिस मीन दैट या तो सी सही होगा या डी सही होगा. अब बात करते हैं रेडियल नोड्स. राइट, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस एल माइनस वन. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एल इक्वल्स टू टू. एन माइनस टू माइनस वन यू विल गेट एन माइनस थ्री. सो द करेक्ट आंसर इज डी. अब देखिए टोटल नोड्स को भी चेक करिए. टोटल नोड्स कितनी होती है? टोटल नोड्स इक्वल्स टू एन माइनस वन. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी. आप लोग एक बार इसे ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट. नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. देखिए क्या पूछा, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3p दिया हुआ है. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी दिया हुआ है. द वैल्यू फॉर एन इज गिवन, एन इक्वल्स टू 3. Now what is the formula for radial nodes? Radial nodes क्या होता है? N minus L minus 1. For p orbital, the value for L is 1. Okay? So 3 minus 1 minus 1, I will get 1. ठीक है? So the correct answer is option number A. 3p orbital के लिए radial nodes कितनी होंगी? Only 1. Now see the next question, question number 3. Calculate number of angular node for 4d orbital. Right, now यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? 4d orbital. d orbital के लिए l की value क्या होती है? l equals to 2. So the value of l is equal to the number of angular nodes. Correct answer क्या हो जाएगा आपका? d, यानी कि 2. स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन को आप अपने पहले खुद से ट्राई करिए, देन सी द आंसर. ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन. द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू जीरो, दैट रीजन इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रीजन, नोडल सर्फेसिस, ओरिएंटेशन सर्फेसिस और वेव फंक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज नोडल सर्फेसिस. Now see the next question, question number 5. The probability of finding out an electron. Okay? The probability of finding out an electron, right, at a point within the atom is proportional to, means probability is proportional to, आपसे question पूछा है. ठीक है, probability किसके proportional होती है? Square of the orbital wave function, orbital wave function, Hamiltonian operator or principal quantum number. So the correct answer is probability of finding an electron that is proportional to the square of the orbital wave function, that is psi square. Now students, the next question. In question number 6, you have to choose the correct increasing order of energy. Okay? Dekho,
यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स यू शुड नो. फर्स्ट वन इज द एफपॉ प्रिंसिपल. एफपॉ प्रिंसिपल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती. द सेकेंड इज द टू कंपेयर बिटवीन द एनर्जीज ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाइक 3d एंड 4s. ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी. इन द यू शुड नो अबाउट द n प्लस l रूल. ठीक है, n प्लस l रूल को देखते हैं. पहला 3d, ठीक है, देन 4s. आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. सो हियर द रूल इज n प्लस l. ठीक है, द वैल्यू ऑफ n फॉर 3d इज 3 प्लस d. ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 2, सो विल गेट 5. इन दिस केस वैल्यू ऑफ n इज 4. s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, सो आई विल गेट 4. सो जो इलेक्ट्रॉन होगा पहले 4s ऑर्बिटल में जाएगा, देन 3d ऑर्बिटल में जाएगा. ये दो रूल आपको इम्पोर्टेंट है. सो ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी ऑप्शन. आप इंडिविजुअली सारे ऑप्शन को चेक करेंगे. देखिए, पहले 3s, देन 3p, देन इलेक्ट्रॉन विल गो इन 4s, देन कम्स 3d, देन 4p, देन 5s, 4d एंड फाइनली 5p. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. और बहुत ही बार क्या होता है, हमें सही आंसर पता होता है पर हम गलत पे टिक कर लेते हैं. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल्स. ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज द अनदर नेम फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर दैट इज l. ठीक है, नाउ फॉर 2s ऑर्बिटल, फॉर 2s ऑर्बिटल मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है. ऑर्बिटल क्या है, s. फॉर s द वैल्यू ऑफ l इज 0, सो डेफिनेटली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0. करेक्ट आंसर इज a. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन कैन एंटर इंटू द ऑर्बिटल. क्या पूछ रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन कैन एंटर इंटू द ऑर्बिटल व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज मिनिमम, वैल्यू ऑफ l इज मिनिमम, वैल्यू ऑफ n प्लस l इज मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ n प्लस m इज मिनिमम. देखो, m क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो हम लोग को कंसिडर नहीं करते. क्या होता है करेक्ट, इसके लिए वैल्यू ऑफ n प्लस l शुड बी मिनिमम, वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करता है. ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 9 इज कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ 4th एनर्जी लेवल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एनर्जी लेवल इज गिवन, दैट इज n स्क्वेयर. सो इट्स वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन. n स्क्वेयर दैट इज 16. फोर्थ एनर्जी लेवल दिया है, द वैल्यू फॉर n इज 4. अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल होता तो कितने होते ऑर्बिटल्स, 25. सो हियर द करेक्ट आंसर इज 16. सो स्टूडेंट्स, नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो क्लास. वैल्यूज ऑफ प्लस हाफ एंड माइनस हाफ दैट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं. द गिवन ऑप्शन आ, देखो, टू क्वांटम इलेक्ट्रॉन मैकेनिक स्पिन स्टेट्स विच रिफर टू द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. ये करेक्ट आंसर है, लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहती है, अप एंड डाउन, ये तो खैर गलत हो जाएगा. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे बच्चे इसे टिक कर देते हैं. सो बी श्योर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ दे रिप्रेजेंट द एक्चुअल मैग्नेटिक स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दे रेफर टू द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस एमसीक्यू सीरीज, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. थैंक यू.